ध्यान दीजिएगा, हमने डिफरेंशिएशन में आपको लॉग वाला प्रॉब्लम भी बता दिया कि फंक्शन टू बार फंक्शन को कैसे ऑपरेट करना है, इम्प्लिसिट भी बता दिया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले भी बता दिए, और पैरामीट्रिक इक्वेशन का भी डिफरेंशिएशन बता दिया है। अब ये जो मैं नई वैरायटी बताने वाला हूँ ये लगभग पैरामीट्रिक जैसे ही है, ठीक है। जैसे वहाँ पे क्या होता था, एक कोई फंक्शन होता था एक्स के लिए वाई, और कोई दूसरा फंक्शन होता था टी, वो भी किसके लिए, एक्स के लिए, और बाद में हमसे पूछता था कि डिफरेंशिएट वाई विथ रिस्पेक्ट टू टी। समझिएगा, समझ लो ये कोई फंक्शन वाई है, किसका फंक्शन है, ये एक्स का फंक्शन है, ये कोई दूसरा फंक्शन टी है, किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, और हमसे क्या बोलता है, डिफरेंशिएट वाई विथ रिस्पेक्ट टू टी। जो पैरामीट्रिक में था, जो पैरामीट्रिक में था कि वाई और एक्स दो टाइप के फंक्शन हुआ करते थे, टी के फंक्शन हुआ करते थे, और हमसे बोलते थे डिफरेंशिएट वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जबकि वाई टी का फंक्शन हुआ करता था और एक्स भी टी का फंक्शन हुआ करता था। वही सिचुएशन लगभग लगभग इधर भी है कि ये कोई पहला फंक्शन है एक्स का, ये दूसरा फंक्शन है एक्स का, और हमसे कहता है डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू दिस, तो हमको ना जबरन पैरामीट्रिक फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेंगे। देखिए हमारे लिए कितनी सहूलियत हो जाएगी, प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट पे कंसंट्रेट कीजिए, मैंने इसको बोल दिया वाई, वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स एज वाई इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, और मैंने इसको ना टी लेट कर लिया, टी इज इक्वल्स टू क्या, एक्स स्क्वायर। अब मेरे पास वाई और टी दो टाइप के फंक्शन है, क्वेश्चन वाले कहते हैं डिफरेंशिएट वाई विथ रिस्पेक्ट टू टी, मतलब हमें क्या चाहिए, डी वाई बाई डी टी चाहिए। कैसे लाओगे आप डी बाई डी टी, डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी टी वाई क्या, डी एक्स, सिंपल है। चलिए सबसे पहले एज वाई इक्वल साइन ऑफ एक्स स्क्वायर हम फाइंड करने जा रहे हैं डी बाई डी एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। प्रॉब्लम ये है साइन समझ में आता है, ये एक्स स्क्वायर वगैरह नहीं आता, तो डी अपॉन डी यू साइन यू डी यू बाई डी एक्स, साइन यू का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस यू डी यू बाई डी एक्स, मैं यू की वैल्यू वापस कर दूंगा, यू मतलब क्या एक्स स्क्वायर, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। समझिएगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है टू एक्स कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आ गया क्या डी वाई बाई डी एक्स, आगे आ जाओ। अब एंड टी इक्वल क्या है एक्स स्क्वायर, तो हम कर रहे हैं डी टी बाई डी एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ टी, टी मतलब क्या एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा टू एक्स, इस तरीके से आपको डी टी बाई डी एक्स भी मिल गया। हमको लेकिन चाहिए क्या था डी वाई बाई डी टी, क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स कितना है डी वाई बाई डी एक्स टू एक्स कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, और डी टी बाई डी एक्स कितना है टू एक्स, टू एक्स टू एक्स कैंसिल, तो डी वाई बाई डी टी कितना आ गया बोलिए कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। इस तरीके से आपने वाई को टी के रिस्पेक्ट में क्या कर लिया डिफरेंशिएट कर लिया, क्या कर लिया डिफरेंशिएट। सिंपल बात है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कि वाई को टी के रिस्पेक्ट में जैसे ही पैरामीट्रिक में करते थे लगभग वैसे ही करना, इसलिए मैंने जानबूझ के रिलेट भी कराया इसको ताकि आपको कुछ अलग ना लगे, समझ रहे हैं बात को। चलिए जल्दी से इसको नोट करिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसमें कहता है डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस, वही कॉमन आइडिया, मैंने बोला ना पहले वाले को आप क्या लेट कर लीजिए वाई और दूसरे वाले को क्या लेट कर लीजिए टी। समझिएगा लेट वाई इक्वल टेन वर्स रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या एक्स, एंड टी इक्वल्स कॉस इनवर्स टू एक्स रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। बात को समझिएगा, पहले मैं वाई को सिंप्लीफाई करना चाहता हूं, पुटिंग एक्स इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, तो क्या मिलेगा वाई इक्वल टेन वर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्यों, अगर मैं एक्स कॉस थीटा रखता हूं तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या साइन स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर आएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा है। यही ट्रायल अपन टी के लिए भी ले लेते हैं, टी इक्वल कॉस इनवर्स एक्स की जगह कॉस थीटा रखेंगे तो टू कॉस थीटा, और यहां कॉस रखेंगे तो वन माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर रूट से बाहर आएगा साइन, आगे समझिएगा, तो टू साइन थीटा कॉस थीटा ये क्या बन जाएगा कॉस टू थीटा, सॉरी साइन टू थीटा बन जाएगा, समझिएगा साइन
टू थीटा, इधर साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा टेन थीटा। आगे समझिएगा, टी इक्वल कॉस इनवर्स कॉस 90 माइनस थीटा, क्या आएगा बताइए, कॉस 90 माइनस थीटा। वाई इक्वल इधर क्या बचा थीटा, और इधर टी इक्वल क्या बच रहा बोलिए, पाई बाई टू माइनस टू थीटा। समझ रहे हैं बात को, आपको चाहिए क्या है डिफरेंसिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू टी, क्या चाहिए बोलिए, डिफरेंसिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू क्या टी, ठीक है ना। तो पहले मैं वाई को सॉल्व कर दूं, मैंने डी वाई बाई डी थीटा कर दिया, कितना आ गया वन। भाई वाई को थीटा के रिस्पेक्ट में सॉल्व करो क्या आएगा वन, इधर डी टी बाई डी थीटा कर दो, डी टी बाई डी थीटा डी अपॉन डी थीटा ऑफ पाई बाई टू माइनस टू डी अपॉन डी थीटा ऑफ टी, तो क्या आएगा डी टी बाई डी थीटा, ये तो जीरो हो गया, ये माइनस टू आ गया, मतलब माइनस टू। क्या चाहिए हमको डी वाई बाई डी टी, मतलब डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी टी बाई डी थीटा, डी बाई डी थीटा कितना है वन, और डी टी बाई डी थीटा कितना है माइनस टू, क्या आ गया बोलिए माइनस हाफ। कुछ भी गड़बड़ है क्या, कुछ भी ऐसा जो आपको समझना आया हो, मैंने ना ये पैरेलल लेके चला, आपकी चॉइस है, आप पैरेलल लेके चलो या अलग अलग सॉल्व कर लो, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हैं ना, हमने इसको y लेट करा था और इसको t, मतलब मुझे y को डिफरेंशिएट करना था t के रेफरेंस में, मतलब मुझे जी वाई बाई डी टी चाहिए था, ठीक है। उसके बाद ना मैंने y और t को सिंप्लीफाई कर लिया x की जगह cos थीटा पुट करके, समझ रहे हैं ना, बाद में सॉल्व कर दिया, आपके सामने आंसर है। क्लियर हुआ नहीं हुआ बोलिए, बढ़िया से आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, थोड़ा सा बड़े बड़े क्वेश्चन है, बाकी घबराने की जरूरत नहीं है, दिखने में बड़े हैं। आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किया मुझे पता है, बाद में डिफरेंशिएशन में तो और अच्छे तरीके से किया है, अब इसके बावजूद तो क्वेश्चन आपसे बनेंगे ही भाई। प्रॉब्लम नंबर थर्ड पे आते हैं, मैंने वाई लेट करा किसको, sec इनवर्स 1 बाय 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, और टी किसको लेट करा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, वही कहानी पुटिंग एक्स इक्वल्स टू कॉस थीटा, ठीक है। तो y इक्वल क्या आएगा sec इनवर्स 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, t में भी ट्राई कर लो क्या आ रहा है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, y इक्वल sec इनवर्स 1 अपॉन, ये मालूम किसका फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, तो t इक्वल 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है बोलिए sin स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर आएगा तो sin थीटा, y इक्वल sec इनवर्स ये 1 अपॉन कॉस क्या होता है sec, t इक्वल क्या आ गया sin थीटा, sec sec कट जाएगा, y इक्वल क्या बचेगा 2 थीटा, और t इक्वल क्या बचेगा sin थीटा। जल्दी से y को डिफरेंशिएट कर दो थीटा के रिस्पेक्ट में, कितना आएगा 2, और t को डिफरेंशिएट कर दो थीटा के रिस्पेक्ट में, sin थीटा का डेरिवेटिव क्या होता बोलो cos थीटा, sin थीटा का डेरिवेटिव क्या होता बोलिए cos थीटा। चाहिए क्या आपको dy / dt, मतलब डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी टी बाई डी थीटा, जल्दी बोलो डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी है 2, और डी टी बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी है कॉस थीटा। आपको अच्छे से याद हो मैंने कॉस थीटा को क्या लेट करा था x, क्या आ गया बोलिए 2 बाई एक्स, क्या मुश्किल हो रही बोलिए, क्या समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी नया है क्या, थोड़ा सा एकदम देखो एंटिक अंदाज में अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई, इनवर्स जितना बढ़िया आता होगा ना ये क्वेश्चन सब चुटकी में कर लोगे आप, समझ आ रहा है, ये घबराने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला है, फॉर्मूला अगर आपको याद है ना ऐसा कोई क्वेश्चन पैदा ही नहीं होता कि आपको परेशान कर जाए, है ना। यदि नोट करिए इसको, अब देखिए प्रॉब्लम नंबर फोर्थ, अच्छा क्वेश्चन है, बेहद अच्छा क्वेश्चन है। प्रॉब्लम नंबर फोर्थ, डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगी आपको, समझिएगा। देखिए प्रॉब्लम नंबर फोर्थ, मैंने इसको y लेट कर लिया cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, और इसको ना मैंने t लेट कर लिया t इक्वल sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप बहुत गौर से नोटिस करें तो मालूम है किसी का फॉर्मूला है ये, सोचो जल्दी किसका फॉर्मूला है ये, सोचो सोचो किसका फॉर्मूला है ये, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का, ठीक है, और ये फॉर्मूला किसका है, ये भी है 2 tan इनवर्स x का। जल्दी से कर दो dy by dx, क्या मिलेगा 2 dy by dx ऑफ tan इनवर्स x, कर दो dt by dx 2
डी बाई डी एक्स ऑफ टैन इनवर्स एक्स डी वाई बाई डी एक्स। देखिए टू बाहर है, टैन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या, वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। टू बाहर है, टैन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या, वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। आगे समझिएगा, हमें चाहिए डी वाई बाई डी टी। कैसे आएगा, डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी टी बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स कितना है, टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और डी टी बाई डी एक्स कितना है, टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। कैंसिल हो गया भाई सब कुछ, क्या आ गया आंसर, वन। क्या मुश्किल लग रही बोली, डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, वन आ गया, एकदम सिंपल है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, है ना। आपने किसी को टी लेट करा, किसी को वाई लेट करा, बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपको परेशानी में डाले, एकदम सिंपल है। इधर भी आप इसको ना वाई लेट कर लेना और इसको टी लेट कर लेना, इसको भी कर दूं, नोट करिए पहले इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, आखिरी प्रॉब्लम देखिएगा। हमारे पास एक क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट साइन एक्स टू द पावर लॉग एक्स, ठीक है, साइन एक्स टू द पावर लॉग एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, टी मतलब साइन एक्स। ऐसा क्वेश्चन में लिखा है कि डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस, मैंने इसको वाई लेट कर लिया और इसको क्या लेट कर लिया, टी। समझिएगा, पहले मैं वाई की बात करता हूं। अब यहां वाई में ना फंक्शन टू पावर फंक्शन दिख रहा है मुझे, क्या दिख रहा है, फंक्शन टू पावर फंक्शन। और फंक्शन टू पावर फंक्शन सॉल्व करने से पहले क्या करना पड़ता है, लॉग लेना पड़ता है। चलिए समझिएगा, लॉग ऑफ वाई लॉग ऑफ साइन एक्स टू द पावर लॉग एक्स, लॉग ऑफ वाई इक्वल लॉग एम टू द पावर एन, क्या आएगा बोलिए, एन लॉग एम। आगे समझिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए, डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग वाई, डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। बात को समझिएगा, लॉग एक्स इंटू लॉग ऑफ क्या, साइन एक्स। ध्यान दीजिए आगे, यहां प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन वाली फीलिंग आ रही है, लॉग वाई का डेरिवेटिव क्या, वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। देखिएगा, वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, लॉग एक्स तो बाहर ही है, अब चेन रूल लगा देंगे तो ये लॉग टी बन जाएगा, लॉग टी का डेरिवेटिव क्या, वन अपॉन टी, और टी को सॉल्व करेंगे साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स आएगा, चेन रूल समझते होंगे आप। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, वन बाय एक्स। आगे देखिए, तो वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, सॉल्व करिए, कॉट एक्स लॉग एक्स, कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स अपॉन क्या, एक्स। आगे समझिए, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया भाई, वाई कॉट एक्स लॉग एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। हम डी टी बाई डी एक्स भी फाइंड करने लगे हाथ, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स, आपको मालूम है साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, बताइए, कॉस एक्स। ये हो गया, चाहिए क्या हमको, डी आर बाई डी टी, तो डी आर बाई डी एक्स मतलब वाई, वाई मतलब साइन एक्स की पावर लॉग ऑफ एक्स, कॉट एक्स लॉग एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स अपॉन क्या, डी टी बाई डी एक्स कितना है, कॉस एक्स। ये आ गया अभी आंसर। क्या प्रॉब्लम है बोलिए, क्या मुश्किल लग रही है, कुछ भी नया नहीं है, जहां हम कभी एक वेरिएबल के टर्म्स में सॉल्व करते थे, वहां अब अपन को एक फंक्शन के टर्म्स में सॉल्व करना है। जहां हम क्या करते थे, डिफरेंशिएट ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस वेरिएबल, अब क्या करना पड़ रहा है, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। क्या कर रहे हैं अपन, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, मतलब एक फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं दूसरे फंक्शन के रेफरेंस में, लगभग पैरामीट्रिक टाइप का है, इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग नाम दे दिए। समझ में आ गया आपको, बढ़िया से, कोई प्रॉब्लम है। अब सीट में जितने भी क्वेश्चन है ना इस टाइप के, सारे आपको बन जाएंगे, सीट चेक कर लीजिएगा, मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कंप्लीट है। अपने पास एक लास्ट वेराइटी बची है, एकदम लास्ट
5 मिनट का लेक्चर है, उसके बाद अपन कहां पहुंचेंगे, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में। डिफरेंशिएशन बहुत जरूरी है पूरा कैलकुलस मैनेज करने के लिए, इसलिए घबराना नहीं है, जैसा जैसा बोला गया कोशिश करते रहना, ठीक है। इसको नोट कीजिए, जो भी डाउट आए उसके लिए मैसेज और कॉल कीजिए, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए।